हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लंका के राजा रावण को मिले दो श्राप के बारे में बताऊंगा। वैसे तो रावण बड़ा दुष्ट था और उसे कई श्राप मिले हैं, पर आज मैं आपको उसके दो श्रापों की कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहली कहानी की ओर। रावण को कुबेर का श्राप। आजकल के भोले भाले बच्चे राम से ज्यादा रावण का गुणगान करते हैं कि रावण बड़ा मर्यादा वाला व्यक्ति था, उसने सीता का हरण तो किया पर कभी उसके साथ कोई दुर्व्यवहार या जबरदस्ती नहीं की। आज मैं आपको इसके पीछे की सच्ची कहानी बताता हूँ। देवलोक पर आक्रमण करने के समय रावण को एक सुंदर स्त्री दिखी, उसने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उस स्त्री ने उसे बताया कि वह कुबेर की पत्नी है, फिर भी रावण ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसी समय वह पर कुबेर जी आ गए और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि यदि रावण कभी भी किसी स्त्री के अनुम साथ जबरदस्ती करेगा तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शोक वाटिका में जब भी रावण माँ सीता के समीप जाता तो माँ सीता उन्हें तिनके के सहारे डराती और उन्हें कुबेर के श्राप का स्मरण कराती। ये रावण के मर्यादा नहीं थी कि उसने सीता माँ के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि ये कुबेर के श्राप का भय था। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। रावण को माता पार्वती का श्राप। एक समय की बात है, माता पार्वती दूसरे भगवान के निवास स्थल को देखकर दुखी हो गई और उन्होंने शिव जी से सोने के महल की मांग की। शिव जी ने विश्वकर्मा जी से कहकर एक सुंदर सोने महल बनवा दिया। अब बरी आई, गृह प्रवेश की और घर पूजन की, तब ब्राह्मण की जरूरत आन पड़ी। उस समय तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण रावण था, सो शिव जी ने उन्हें पूजा करने के लिए बुलाया। रावण सोने का महल देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ और उसके लालच जाग गया। पूजा समाप्ति के बाद उसने दक्षिणा में वो महल ही मांग लिया। शिव जी बड़े दानी है, उन्होंने वो महल रावण को दे दिया। रावण खुशी के मरे बंदरों की तरह नाचने लगा। इस पर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे लिए बनाए गए इस सोने के महल को छीनकर बंदरों की तरह नाच रहे हो, अब तुम्हारा ये महल एक वानर ही जलाएगा। उसके बाद की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह हनुमान जी ने लंका को खाक कर दिया। धन्यवाद। जय श्री राम।